सीआरपीएफ कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2021। नमस्कार दोस्तों, सीआरपीएफ की तरफ से 21,000 पदों पर एक बड़ा बम्पर रिक्रूटमेंट निकालने को लेकर एक बड़ी अपडेट आपके लिए लेके आए। बिल्कुल, अगर आप इस सीआरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2021 का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ी व अच्छी खुशखबरी यहाँ पर लेके आए। यहाँ पर आप देख सकते हो सीआरपीएफ में होगी 21,000 जवानों की भर्ती। आखिर इस भर्ती के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी, एज क्रिटेरिया क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहने वाला है, कब तक ये भर्ती प्रक्रिया आपके शुरू होने वाली है, इसको लेकर संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने वाले हैं। वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित रहने वाला। वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा, साथ में वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पे अगर आप पहली बार आए और आगे आने वाली सीआरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2021 से जुड़ी हर प्रकार की लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी बता देता हूं। अगर आप भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और अहम भूमिका निभाता है और यहां पर आपके लिए टॉप 500 प्रश्नों का संग्रह लेके आए। अगर आप रेलवे, एसएससी, आईबीपीएस या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेज, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स पढ़ना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। अगर ये बुक आप मार्केट से खरीदते हैं तो आपको 100 रुपए से कम में नहीं मिलेगी, लेकिन हम आपको 80% छूट के साथ मात्र 20 रुपए में आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जहां जाके आप 20 रुपए पे करके इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में। अपकमिंग वैकेंसी टोटल 21,000 पदों पर, जैसा कि आप देख रहे होंगे डिपेंड जॉब अलर्ट की ऑफिशियल साइट पे, और यहां पर आपको मिल जाएगा सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट 2021 में क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज क्रिटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस भर्ती के लिए रहने वाला है। तो यहां पर आप देख लीजिएगा सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट, यहां पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने नया पेज ओपन होकर आ जाएगा और यहां पर आप पूरी डिटेल चेक कर पाएंगे। तो बिल्कुल मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट 2021 अपकमिंग वैकेंसी, टोटल पोस्ट है वो 21,000 है, वो भी मैं आपको प्रूफ के साथ में दिखाने वाला हूं इस वीडियो में। यहां पर आप देख लीजिए, सबसे पहले मैं बताता हूं इस भर्ती के लिए कौन कौन से जगहों पर यहां पर भर्ती होगी। तो द रैपिड एक्शन फोर्स आरएएफ की 10 नई बटालियन बनाई गई है, साथ ही द कमांडो बटालियन फोर्स, रिसोल्यूशन एक्शन कोबरा 10 बटालियन, स्ट्रॉन्ग एंटी नक्सलाइट फोर्सेज, मतलब नक्सल एरिया में अपनी धाक जमाने के लिए सीआरपीएफ की तरफ से 10 नई बटालियन तैयार की गई है, वो भी कोबरा कमांडो की। तो इन सभी के लिए रिक्रूटमेंट निकाला गया है। जीडी कांस्टेबल के पदों पर ही आपका 21,000 पदों का ये रिक्रूटमेंट होने वाला है और यहां पर आपको केवल एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं पास रखी गई है। अगर आप 10वीं पास हो, आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब यहां पर दोस्तों आगे की प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूं कि इस भर्ती के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ एज क्रिटेरिया क्या होगा। सबसे पहले नंबर ऑफ पोस्ट दिखा देता हूं, 21,556 के लगभग वैकेंसी आपके पोस्ट का नेम आपका कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और ट्रेड्समैन के पदों पर यह रिक्रूटमेंट होगा। अप्लाई का मोड ऑनलाइन आपका रहने वाला, ऑल इंडिया कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेटों के लिए भर्ती है। और कैंडिडेटों की एज के बारे में बात करें तो 18 साल से लेकर 28 साल तक अगर आपकी एज है आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। एज की गणना 1 अप्रैल 2021 से होने वाली है। एज में छूट मिलेगी एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट को, एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलेगी, ओबीसी के जो भी कैंडिडेट है उनको 3 साल की छूट मिलने वाली है। फिजिकल प्रोसेस और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो फॉर ऑल मेल कैंडिडेट पोस्ट, सभी मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। हाइट में छूट मिलेगी नॉर्थ इंडिया जोन से जो भी कैंडिडेट बिलोंग करते हैं, उन मेल कैंडिडेट की हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल की हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप एसटी कैंडिडेट है तो दोस्तों यहां पर आपको एज में भी छूट दी जाएगी। अब यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं कि चेस्ट आपका कितना होना चाहिए। चेस्ट आपका मेल कैंडिडेट का चेस्ट है वो 80 से लेकर 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट में छूट मिलेगी एसटी कैंडिडेट और साथ ही नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करने वाले सभी कैंडिडेटों को चेस्ट में छूट दी जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों फिजिकल प्रोसेस में। सबसे पहले आपकी रनिंग होगी और रनिंग आपकी होने वाली है 5 किलोमीटर की और यहां पर आपको समय दिया जाएगा 24 मिनट का। बिल्कुल ये मेल कैंडिडेट के लिए है। अगर फीमेल कैंडिडेट के लिए बात करें तो फीमेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की रनिंग होगी और समय दिया जाएगा 8 मिनट। अब यहां पर सीआरपीएफ भर्ती 2020 के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहां पर 10वीं और 12वीं पास वाले अभ्यर्थी अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप 10वीं पास होना चाहिए। अगर आप हेड कांस्टेबल
कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 12वीं पास होना चाहिए। अब यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो सबसे पहले इस बार भी आपका रिटर्न टेस्ट करवाया जाएगा सीआरपीएफ की तरफ से, और रिटर्न में 12 गुना कैंडिडेटों को क्वालिफाई किया जाएगा, और जो कैंडिडेट रिटर्न क्वालिफाई होंगे उनका फिजिकल टेस्ट करवाया जाएगा, और फिजिकल में जो कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे उनका मेडिकल टेस्ट, और मेडिकल टेस्ट के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फाइनल मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका फाइनली सिलेक्शन करवाया जाएगा। अब यहाँ पर सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट 2021 की इंपॉर्टेंट डेट आपको बता देता हूँ, इन्होंने एक्सपेक्टेड डेट है वो स्टार्टिंग डेट बताई गई है, अप्रैल के फर्स्ट वीक तक ये आपका रिक्रूटमेंट, बड़ा रिक्रूटमेंट आने के चांसेस है। वही लास्ट डेट है वो मई 2021 यहाँ पर रखी गई है। काफ़ी अच्छा रिक्रूटमेंट है, लगातार सीआरपीएफ के रिक्रूटमेंट के अभ्यर्थियों की इंतजार हो रहा था कि आखिर कब तक ये बड़ा रिक्रूटमेंट आएगा। तो अब दोस्तों वो नोटिस मैं आपको दिखा देता हूँ जो कि न्यूज़पेपर में भी पब्लिश किया गया। अगर ये पूरी डिटेल आप देखना चाहते हैं तो इस साइट का भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के पहले कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, जहां जाके भी आप पूरी डिटेल चेक कर पाएंगे। अब यहां पर आप देख लीजिएगा दोस्तों, सीआरपीएफ में होगी 21,000 जवानों की भर्ती, बिल्कुल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ जल्द ही 21,566 कर्मियों की नियुक्ति करेगा। सरकार ने कुछ महीने पहले ही केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सिपाही के रैंक पर 54,953 कर्मियों की भर्ती करने की घोषणा की थी। सबसे ज्यादा 21,566 कर्मी सीआरपीएफ में भर्ती होंगे, एजेंसी ने बदला बिल्कुल यहां पर बदलेगा प्रशिक्षण का भी, जो पुराना तरीका है वो भी यहां पर बदला जाएगा, क्योंकि सीआरपीएफ में कई नई बटालियन बनाई गई है, जैसा कि आरएफ में कुछ बटालियन बनाई गई है, लगभग 10 न्यू बटालियन आपके आरएफ में बनाई गई है, जबकि 10 बटालियन आपके कोबरा कमांडो के लिए भी तैनात की गई है। नक्सलवाद और आतंक प्रभावित राज्यों में ड्यूटी करने के लिए दक्ष व मजबूत सैनिक तैयार करने की शारीरिक प्रशिक्षण प्रणाली को नया रूप दिया जाएगा, और यह सीआरपीएफ का बड़ा बंपर रिक्रूटमेंट है जिसका लगातार अभ्यर्थियों को इंतजार हो रहा था कि आखिर सीआरपीएफ का बड़ा रिक्रूटमेंट कब तक आएगा, क्योंकि 2018 के बाद में सीआरपीएफ में नई वैकेंसी बड़ी सिपाही के पदों पर नहीं आ पाई थी, और लगातार ये भर्तियों का इंतजार हो रहा था। इस भर्ती प्रक्रिया के लिए 10वीं और 12वीं पास, कांस्टेबल के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 10वीं पास होना चाहिए, अगर ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो भी आप 10वीं पास है, चाहे मेल हो या फीमेल कोई भी इसके लिए अप्लाई कर पाएगा। अगर आप किसी भी भारत के मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं या 12वीं पास किए तो आप इस भर्ती के लिए योग्य माने जाओगे। वही हेड कांस्टेबल की बात करें तो 12वीं पास के साथ ही हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आपकी टाइपिंग भी होनी चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट आपका हिंदी में होना चाहिए, जबकि 35 वर्ड पर मिनट आपका इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, तभी आप इस भर्ती के लिए योग्य माने जाओगे। तो दोस्तों ये थी एक मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो और आगे आने वाली सीआरपीएफ की नई भर्ती से रिलेटेड हर प्रकार की लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए रिक्रूटमेंट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।